काटो काटो नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। चवर तखत सिंघासन दे मालक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन दरबार विच सज बैठी गुरु सवारी सात संगत जीओ, आओ बड़े अदब सत्कार सहित सतगुरां दी बख्शी होई मुबारक फतेह नाल सांझ बनाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। मैं इतिहास दा एक ख्याल तुहाडे नाल पक्ष सांझा करके जो असीं सेध बीते हुए दीआं घटनावां तों भविख नूं सवारन वास्ते लै सकदे हां, इस पक्ष नूं आप जी दे नाल चंद शब्दां दे विच सांझा करन दा यतन करांगा। इसे ही महीने दे विच आपां गुरु हरगोबिंद साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पुरब मूल नानक शाही कैलेंडर दे मुताबक मनाउणे हन अते गुरु अर्जन साहब जी दा शहादत दिवस भी आपां इस महीने दे विच सतगुरु की गोद विच बैठ के महाराज के परोपकारां नूं याद करना है। मेरा यह ख्याल दोवां पक्खां दे नाल बड़ा गहरा सांझा है ते सानूं चेतना दिंदा है 6 जून 1984 दे घल्लूघारे दे संबंध विच गुरु अर्जन साहब जी की शहादत होई। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरता गद्दी दे वारस ते मालक बन के सतगुरु महाराज ने सिख पंथ नूं, मानवता नूं, मनुखता नूं सहयोग अगवाई बख्शिश की। गुरु अर्जन साहब जी की शहीदी इतिहास में कोई निक्की घटना नहीं सी, एक बड़ी वड्डी घटना सी। खास तौर पर इसने पंजाब के इतिहास की तासीर नूं मुकम्मल रूप में बदल के रख दिता। आपां आउण वाले दीवाना विच इस गल का जिक्र ते चर्चा करन दा इस पक्ष उत्ते यतन करांगे। गुरु अर्जन साहब की शहादत तों बाद दो गल्लां वापर सकदियां सन सिख पंथ नाल सिखां दे हिस्से विच, जां तां एक वक्ती गुस्सा ऐसा पैदा हो जांदा कि जगह जगह दे उत्ते तबाही दे मंजर खड़े हो जांदे पंजाब दी धरत उत्ते, क्योंकि आखिर सिखां दे रहनुमा रहबर सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज नूं घोर तसीहे दे के शहीद किया गया सी। ते सुभाविक गल है सिखां दे मनां दे अंदर एक क्रोध पैदा हुंदा, गुस्सा पैदा हुंदा, ते ओह क्रोध ते गुस्सा जिहड़ा उसने किसी ना किसी रूप में प्रगट होना ही हुंदा है, आपां सारे जाणदे हां। आ हाल ही विच होई घटना तुसीं इसे मुल्क दे विच वेख रहे हो कि वह क्रोध ते वह गुस्सा जिहड़ा किस किस रूप में वह तुरिया है ते उसने किन्नी वड्डी पद्धर दे उत्ते तबाही सिरज दित्ती है। तो गुरु अर्जन साहब की शहादत बाद एक तो यह हो सकता सी भी सिख मना दे अंदर दा क्रोध ते गुस्सा ते सरकार दे प्रति नफरत जड़ी है वो ज्वालामुखी बन के फुटदी ते तबाही सिरज देंदी पंजाब दे विच। ते जां दूजी गल यह हो सकती सी भी लोगों अंदर एक दहल ते एक डर पै जांदा कि जे साडे गुरु साहिबान नूं हकूमत ने नहीं छड़िया जां हकूमत ने जो कुछ साडे गुरु नाल कीता फिर असी किहदे पाणी आना। आम बंदा किन्नी कु पहुँच रखदा, उहदे मन अंदर मायूसी छा जांदी, उदासी आ जांदी, ढहिंदी कला एक कौमी तौर ते
जिमें मैं कई बार उदाहरण अगे भी मैं पहले अपने कथा विचार विच गल कही सी भी जिमें बंदा निजी तौर पर भावनावां दा शिकार हुंदा है ना, कौमां भी इस तरह ही भावनावां दे वेग दा शिकार हुंदियां ने। चेते च रखियो, एक हुंदा है मनुख नूं निजी तौर पर डिप्रैशन हुंदा है कुछ घटनावां नूं लै, कई बार पूरे का पूरा समाज जां पूरे दे पूरी कौमियत ही कोई डिप्रैशन विच चली जांदी, इस तरह भी वापरदा है क्योंकि बंदे वांग कौम भी तो जिउंदी जागदी है ना। कई बार जो साढ़े अंदर हुंदा है ना सारा कुछ रल रल के इन्नी व्यापक पद्धर उत्ते, इस करके ही तो समय दियां सरकारां ते स्टेटां जां ताकतवर धिरां जिहड़ियां सत्ताधारी धिरां हुंदियां ना, चेते च रखियो वह हथियारां दे नाल नाल प्रचार दे उत्ते भी सब तो वध पैसा खर्चदियां ने, क्योंकि लोकां दे ब्रेन विच उन्होंने जो मैसेज जो सुनेहा टकाउणा हुंदा उन्हें फिर इंप्लीमेंट भी होना हुंदा, उन्हें अगे कम करना हुंदा। जिमें आए दिन असी कई बार घटनावां पढ़ते जी सिलेबस गुरुआं बारे आ लिख दिता आ गलत लिख, अगले लिखणगे जो उन्होंने पढ़ाना है वही दसणगे, वो चाहते ने भी तुहाडी मानसिकता नूं असी अपने मुताबक किवें ढाल लईए, अपने मुताबक असी किवें इहनूं चेंज कर लईए, किवें बदल लईए। तो प्रचार भी प्रापोगंडे का एक हिस्सा हुंदा है और बड़ा वड्डा मारू असर करता है, सदियां तक असर करता है। गुरु अर्जन साहब जी की शहादत बाद जां दूजी घटना यह हो सकती सी भी सिख मना दे अंदर बहु गिणती विच उदासी ते मायूसी पैदा हो जाती, पर सदके जाइए छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे जिन्हां ने समुचे रूप विच सिख मना नूं ना तो वक्ती क्रोध की अग विच सड़न दिता ते ना उन्हां नूं उदास ते मायूसी की खड्ड विच डिगण दिता। हुण तुसी वेखो महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अपने जीवन में चार वड्डियां ते एक छोटी कुल मिला के पंज जंगा लड़ियां और पंजे दियां पंजे जित्तियां, पंजे दियां पंजे जंगा दे विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जेतू रहे। इत्थों तक उन्होंने अपना केंद्र भी अमृतसर तो बदल के कीरतपुर साहब ले जाना पिया, पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जानते सन कि गुरु अर्जन साहब की शहीदी तो बाद सिख मना दे उते की प्रभाव पै सकता है, तो उस नैगटिविटी नू उस लंबे समय के प्रभाव नू माड़े प्रभाव तो सिख मना नू बचाउण वास्ते सिख सुरतां नू बचाउण वास्ते की करना चाहिए। इस नू कहा जाता है कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की आपां कल्ली तलवार ही वेखदे भी वह सतगुरु महाराज मीरी की तलवार दे धारनी सन, पर उन्हां दी पीरी भी तो बड़ी उची है ना। गुरु अर्जन साहब की शहादत सिख लई माण बन गई, स्वय माण बन गई और सदियां तलक अज तक सानू सेध प्रदान करती आ रही और रहिंदी दुनिया तक रहेगी। ये ख्याल मैं इस करके तुहाडे नाल सांझा कीता है, 6 जून के घल्लूघारे दे विच भी ये दोवें फैक्टरी काम करदे ने। किसे पासे साडे अंदर गुस्सा है ते किसे मना दे अंदर मायूसी ते उदासी दी एक रौं चलदी, एक वेव चलदी है। तुसी वेखना आम असी अपने मना नूं पड़चोलीए ते फिर असी एक दूजे दे मना नूं भी समझण दी कोशिश करिए ते असी वेखिए कि साडे अंदर भी दोवें फैक्टर अज काम करदे ने, पर साडी नाकामी यह रही भी साडे कौमी लीडरां ने सानू निहत्थियां जिहा एक भरे जे मेले विच गवाचियां वांग छड़ दिता। उन्हां नूं इस गल दी सोधी नहीं सी कि इस वड्डी वड्डी घटना दे वापरन तों बाद सिख मना दे उत्ते की असर पैणे ने। उन्हां दी ते करतूत रही कि उन्हां वध तों वध लिया के गायक तुहाडियां स्टेजां ते खड़े कर दिते कि ये गाउण वजाउण विच मस्त हो जाण, उन्हां तुहानूं होर ही क्रांतियां दे राह विखाए। उन्होंने अपने तुहाडे दर्द ते तुहाडी तुहाडे गुस्से चों भी उन्होंने अपनिया पोजिशन अपनिया पदवियां राज कढ लै ते तुहाडी मायूसी चों भी उन्होंने अपने अपने परिवारां दे भविख तलाश लै। तुसीं वेखो किसे लीडर दा परिवार भुखा नहीं मरदा, सारिआं नहीं किसे ना किसे रूप विच सरदारी भोगी ते भोग रहे ने और अपनिया पीढ़ियां तक दा उह प्रबंध कर गए,
पर वह बंदे साढ़े कदे भी चेते विच रखियो सत्कार के अधिकारी नहीं बनने चाहिए, जिमें असी अज बनाई बैठे हैं। साढ़े लिए सत्कार ते माण के अधिकारी कौन बनने चाहिए ने, जिन्हां लोकां ने अपना आप गवा के साड़ी सिख इतिहास की चेतना नूं ते गुरबाणी दे स्पिरिट नूं जिउंदिया रख्या, जिन्हां ते तुसीं माण कर सको कि इह उह बंदे ने जिहड़े कौम नूं रीप्रजेंट करदे ने। अज सब तो वड्डा दुखांत साडा कौमी पद्धर ते है कि असी उन्हां लोकां नूं अपनी कौमीयत दा बिंब बनाउण ते तुले होए आ। नहीं, साडा कौमी बिंब, साडा कौमी प्रतीक कौन लोक ने? साडे स्वय माण दा, जिहड़े शहीद होए, जिन्हां कौमीयत दी चढ़दी कला लई यतन कीते ने, कर रहे ने और करदे रहणगे, भावें उह कंगाल ही क्यों ना होण पदार्थां पक्खों, भावें बिना पोजिशन तों क्यों ना होण। गुरबाणी दा वाक चेते रखीए, बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिन्ना, मित्र ना इठ धन रूप हीण किश साक ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना। गुरु अर्जन साहब ने उस बंदे नू राजा कहा, उस बंदे नू सब तो अहम उच्चा रिस्पैक्टफुल दर्जा दिता। किहड़ा बंदा? जिस दे किरदार विच त्याग है, जिहड़ा दूजियां लई जीना जाणदा है, जिहड़ा असूल ते खलोंदा है, जिहड़ा सच नूं दृढ़ करदा है। महाराज ने आख्या भावें उहदा रिश्तेदार भी कोई उहदे नेड़े नख लगे, फिर की हो गया? लोक उदाहरणां देणगे, उह इहदे ते घर दे नाल नहीं चलदे, तुसीं इहनूं सिर ते चुक्की बैठ, फिर की हो गया? महाराज गुरु अर्जन साहब कहिंदे, जो उहदे पल्ले मैं उह वेख रिहा, फिर की हो गया? जे कखां दी कुल्ली च रहिंदा, फिर की हो गया? उहदी उच्ची बिरादरी ना होवे, फिर की हो गया? गरीब कंगाल होवे, उह कुरूप भी होवे, फिर की है? इन्हां चीज़ां नाल असी थोड़ा तोलना किसी चीज़ नूं। तो महाराज ने सानू टोह दे दित्ती है, बाणी च दीवा जगा के रोशनी कर दित्ती है भी इस चानण दे विच तू चलना है, तो इवें तू पछाण करनी है, इस रूप विच तू पछाण करनी है। पर साडा दुखांत यह है गुरु प्यार वाले, भी असी कोई वक्त सी जिहड़ी कौमी लीडरशिप निकलती सी ना, वह वर्करियां चो निकलती सी, ते हुण तां संत दे घरे संत पैदा हुंदा, ते लीडर दे घरे लीडर पैदा हुंदा। आपां तां जां मत्था टेक सकदे आ जां वोट पा सकदे आ, साडे कोल तां दो ही कम राखवें ने। एक है भी संत दे बच्चे नूं, जिहड़ा कि संत है जमांदरूई, उहनूं मत्था टेक दईए, ते लीडर दा बच्चा जमांदरूई जिहड़ा लीडर है उहनूं वोट पा दईए। एक जगह ते असीं मत्था टेक सकदे आ, एक जगह ते असीं वोट पा सकदे, ते दोवें ही इकट्ठे ने। अज के दौर में दोवें धिरां ही मगरों कट्ठियां ने, सानू दीदियां ने भी अड अड ने, ये धर्म नू रीप्रजेंट करता है, ये सिख पॉलिटिक्स नू रीप्रजेंट करता, नहीं वह दोवें ही खेखण हारे ने। 6 जून का घल्लूघारा सानू इस ये भी एक तस्वीर विखा रहा है, ये साढ़े सामने है सारा कुछ, किवें बंदिया ने सिखां दे खून चों सारा कुछ अपना कढ लिया, ते दोवें धिरां ही अज। मैं एक विचार एक वीर दा पढ़ रहा सी, बड़ा बा कमाल है, वो कहिंदा भी ऐसे ही आ 36वीं जिहड़ी वरेगंढ है, 36 साल हो गए ना 6 जून दे घल्लूघारे नूं, पर किन्नियां संप्रदावां ने, किन्ने संप्रदायी मुखी ने, किन्ने धार्मिक आगू ने, अगों पिछों मीडिया च छाए रहिंदे ने, किसे दी जबान तो लफज नहीं निकलिया, तुसी वेखना मीडिया च जाके वेखना, सोशल मीडिया ते वेखना, दूजे मीडिया ते वेखना, उन्हां नालों तां उह गायक सुथरे निकले जिन्हां ने घट्टो घट्ट मूँह रखण लई सही चंद बंदियां ने गल ते शेयर कीती भी आह भी 36 साल पहलां पंजाब च होया, ते साडे नाम ने आदि लीडरां तां बोलना ही की हुंदा, क्योंकि उन्हां नूं लगदा जे बोले ते साडे ते पक्षपात दा संप्रदायिकता दा दोष लगेगा, ते बहिंदे उन्हां दी झोली विच ने जेड़े पहला ही संप्रदायिकता दे जहर नाल भरे हुए लोग ने, जेड़े आए दे नहीं, किसी नूं इस करके निशाना बनाउंदे ने भी वह मुसलमान है, किसी नूं इस करके भी वह दलित है, किसी नूं इस करके कि वह सिख है, ऐसे बंदियां च ऐसे बंदियां दे कदमां च बहण वाले बंदे विखावा कादा करदे ने धर्म निरपक्षता दा,
बेसिकली वह धर्म निरपक्ष नहीं हैं, वो अपनी वफादारी विखाउण च काले ने, वो ये दसण लई काले ने भी असी वफादार हाँ तुहाडे। धर्म निरपक्ष होना की हुंदा है चेते च रखियो, मैं सिख परिवार च जन्मिया, जे मैं किते जाकर मैं तो सिख ही नहीं, ये तो वड्डा फराड होर की हो सकता है, झूठ होर की हो सकता है। जे कोई ये आखे नहीं जी मेरे लिए धर्म बात, जे जिस जिहड़ी चीज़ मैनू पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है जे मैं वह वफादार नहीं, होर मैं किदी वफादारी कर लेनी है। ते नाले मेरा धर्म कोई ऐसी चीज़ ऐसी वस्तु तो नहीं है ना भी जिदे च कांड है मैं उन्हूं लुकाउंदा फिरां। मैं कह सकदा भाई मैं सिख हाँ पर मैं तेरे नाल धोखा नहीं करदा, बस ये फर्क है। इस ख्याल नूं चेते विच रखियो। और ये जिहड़ा दौर है ये विच भी असी इस नुकते नूं पछानना है भी एक लफज जिहड़ा है ना ऐसिया घटनावां जिहड़ियां ने वह भुल्लण वास्ते नहीं हुंदियां, चेते रखण वास्ते हुंदियां ने। उन्हां दा जीवना तुहाडे चेतियां दे विच होना चाहीदा। अक्सर शब्द कहा जाता जी माड़ा दौर सी भुल जाओ, नहीं भुलो ना, उसनू चेते च रखो, उस पीड़ नू महसूस करो, उस दर्द नू महसूस करो, ते उस दर्द नू अपने अंदर रख के अपनियां पीढ़ियां नू उहदी चीस सुनाओ भी आ एक पीड़ है जिहड़ी साडे कौम दे पिंडे दे उत्ते अज भी यह जख्म है जिहड़ा सानू दर्द दिंदा है गाए बगाए। तो इकला 6 जून वाले दिन ही नहीं होना चाहिए, अगों पिछों भी याद रखियो। ये तो तुसी भज नहीं सकते, अखां बंद करके मुसीबतां टाल नहीं सकते। तो करना की हुंदा, एक तो मायूस नहीं होना, तो दूजा है मैं कंधां च टक्करां भी नहीं मारनियां। इस पीड़ नूं अपने दिल ते दिमाग विच रख के अगले राह तलाशने ने ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਖਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਢਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਏ, ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਵਾਦ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ, ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।
हो सकता है साढ़े जंगाले दिमागों में गल्लां ना आउण जिहड़ियां नवें ढंग नाल अगले बच्चे तलाश लैण, जे इह वी तां तलाशणगे जे उन्हां नूं इह पीड़ तुसीं विरसे च दे दिओगे, जे उन्हां नूं इस बारे तुसीं दस दिओगे। तो मैं फिर अपनी गल दोहरा के समाप्ति करदा भी इह कोई चंद बंदियां जां धड़ियां दी खेड नहीं है, इह इक बतौर इक नेशन तुहाडे उत्ते हमला है। इसनों इस रूप में घल्लूघारे एवें वेखो, मैं अगे भी विनय की है, तुहाडे सिख जुझारुआ दे तरीके नाल मतभेद हो सकते हैं, पर तुहानू ये गल चेते च वसा लैनी चाहीदी है कि तुहाडा दमन एक नेशन नू खत्म करने वास्ते, कौमीयत नू खत्म करने वास्ते इस रूप में घल्लूघारा वरताया गया। चंद बंदियां करके नहीं वरताया गया, तुसीं वखरे होण दा दम भर दो इस करके कीता गया। अपनी इस चीज़ नूं जिउंदियां रखना कि सानू सतगुरु ने वखरा नवेकला मानव भलाई का राह दिता है, ये चीज़ नूं जिउंदियां रखना साडा फर्ज बनता है। दो चीज़ां साडा मुगल अंपायर नाल वाह वास्ता रहा है, सिख इतिहास का ब्रिटिश राज नाल रहा है, समें दियां भारतीय सरकारां नाल रहा है, पर तिना चीज़ां च एक फैक्टर काम करता रहा, नस्लवाद ते बस्तीवाद। एक तो नस्लां नूं नफरत करनी, ते दूजा पदार्थ की सोच लैके दूजे का दमन करना। पर सानू गुरुआं ने दोवें ही अलामतां तो बचाया, सानू सतगुरु ने नस्ली नफरतों भी बचाया, पर सब मैं जोत जोत है सोए का सिद्धांत दिता है, ते पदार्थवाद नूं भी सतगुरु ने यह कह के एक लिमिट विच रखिया है भी पदार्थ तेरे सिर ते नहीं चढ़ना चाहिदा, तू पदार्थ दे सिर ते खलोता होवे। ताइयों कहना सुल्तान होवां मेल लश्कर तख्त राखां पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ, मत देख भूलां विसरै तेरा चेतना है वै ना। सानू यह गल्लां रीप्रजेंट करनिया पैणगियां भी असी ना नसलवादी हाँ, साडा फलसफा मनुखता दे भलाई दा फलसफा है। साड़ी किसी भी समय के अंपायर नाल किसी भी सामराज नाल जे टक्कर रही है तो उस टक्कर के दरम्यान साडा पैंतड़ा यह रहा है कि वह नस्लवादी सन, असी नस्लवाद को उभारन वाले लोग नहीं हाँ, वह पदार्थवादी सोच लैके कब्जाधारी सन, असी ऐसे कब्जाधारी नहीं। सानू साडे सतगुरु महाराज ने एक वक्खरा मार्ग दिता है, सब सुखाली बुठिया ये हुआ हलेमी राज जी। ये बड़ियां जरूरी गल्लां ने जड़ियां सानू इन्हां घल्लूघारियां दे विच विचारनियां चाहीदियां ने। और एक बार फिर तो मैं उन्हां महान परोपकारी शहीदां नू कोटान कोट प्रणाम करदिआं होइआं सतगुरु महाराज दे चरणां विच जोदरी करदा कि असी उन्हां महान सूरबीरां दे डुले हुए खून नू चेते रखीए, अपने जख्मां दी पीड़ नू सदा महसूस करिए, तां कि असी आउण वाले वक्त विच अपने भविख नू सवारन लई नवें राह तलाश सकीए, और अपनियां सुरतां तो अपने मनां तो झूठे प्रापोगंडे दे प्रचार दे जंगाल जिहड़े ने ला के अपने अंदर नूं शुद्ध सरूप कर सकीए, तां कि असी अपनियां नसलां नूं दस सकीए कि ये उन्हां ही घल्लूघारियां दी लड़ी दे विच एक होर घल्लूघारा है जिहड़ा सिख इतिहास दे अध्याय विच जुड़िया है। पक्ष लैणे छड्ड दईए असी, असी अजे भी, मैं बेनती अखीर ते करदा, अजे भी असी इवें सोचदे हां, मैं ना लैण च गुरेज ना करा, अजे असी सोचते हैं अकाली धड़े के दिमाग नाल, कांग्रेस धड़े के दिमाग नाल, सोचते हैं किसी तीजे जां चौथे फ्रंट के दिमाग नाल, तुसी एक कौमीयत के दिमाग नाल सोचो, किसी भी धड़े चो कौमीयत के दिमाग नाल सोच के वेखो, इतिहास की धारा दे वहण नूं समझण की कोशिश करो, इस दे गहरे अर्थ फिर सानूं समझ विच आउणगे। महाराज कृपा करन सानूं सभनां नूं अपने चरणां दा प्यार, पंथ की एकता, आपसी प्यार मुहब्बत ते चढ़दी कला बख्शन, भुल्लां चुक्कां दी खिमा अदब सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।